जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, यह सत्य बात है कि शरीर तो एक दिन जाएगा ही, पर शरीर भी आपका नहीं है। यह तो प्रिया प्रियतम की संपत्ति है, उन्होंने यह आपको दिया है। यदि आप इसे बना नहीं सकते तो जानबूझकर बिगाड़ने का अधिकार भी आपको नहीं है। अपनी जान में स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करना ही इसे बिगाड़ना है, यह नहीं होना चाहिए। साथ में यह भी नहीं होना चाहिए कि शरीर की सेवा में ही मन फंसा रहे। मन तो प्रिया प्रियतम का धाम बन जाए, ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। जिस दिन मन सर्वथा प्रिया प्रियतम का धाम बन जाएगा, उस दिन तो उस शरीर की स्मृति ही मिट जाएगी। पर जब तक ऐसा सौभाग्य नहीं होता, तब तक मुख्य वृत्ति भजन की ओर एवं गौण वृत्ति भजन के साधन रूप शरीर की ओर रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रिया प्रियतम ने अनंत दया करके जिन्हें ब्रज में निवास दे दिया, समस्त सुख की खान ब्रज भूमि उनको मिल गई। उन्हें चाहिए कि ब्रज भूमि में, ब्रजराज दुलारे में, वृषभानु दुलारी में मन को रमा दे। सच्ची बात है, ब्रज के समान सुख और कहीं भी नहीं है। कहाँ सुख ब्रज को सो संसार, कहाँ सुखद वंशीवट जमुना, यह मन सदा विचार। कहाँ बनधाम, कहाँ राधा संग, कहाँ संग ब्रजधाम ब्रजबाम, कहाँ रस रास बीच अंतर सुख, कहाँ नारी तनताम, कहाँ लता तरु तरु प्रतिबूझनी कुंज कुंज नवधाम, कहाँ बिरह सुख बिन गोपिन संग सूर श्याम मन काम। बार बार यह निश्चय करना चाहिए कि इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, इसी में इस जीवन की सार्थकता है। अतिशय गंभीरता से विचारना चाहिए कि भोगों में सुख नहीं है। हमें सुख दिखे भले ही, पर इनमें सुख की गंध भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, ये ही संस्पृशा भोगा दुख योन्य एवत। इस प्रकार बार बार विचार करके मन जिस जिस विषय की ओर जाए, वहाँ वहाँ से उसे हटाकर नित्य आनंद में प्रभु में लगाना चाहिए। दो बातों का मोह मनुष्य को अधिक होता है, पहला शारीरिक सुख का, दूसरा नाम का। शरीर को मन चाहा आराम मिलता रहे और लोगों में मेरा खूब मान सम्मान हो, खूब आदर हो, ये दो मोह परमार्थ के मार्ग में बढ़ने वाले पुरुषों में भी देखे जाते हैं। पर यदि सचमुच हम लोग थोड़ा विचार करें तो यह ठीक पता चल सकता है कि कितनी अनित्य एवं असार वस्तु के लिए हम लोग दुर्लभ मनुष्य जीवन बर्बाद करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लें, आपकी लोगों में खूब प्रसिद्धि हुई, लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ की, आप बड़े इज्जतदार समझे जाने लगे, विवाह शादी में बड़े खुले दिल से खर्च करते हैं, इस प्रकार लोगों ने आपकी तारीफ की, ये बड़े विद्वान हैं, व्यवहार कुशल हैं, इस प्रकार जहाँ भी जाएं आपकी प्रशंसा हो। लेकिन सोचें, वस्तुतः आपके नाम की तारीफ से क्या बनता है। इसके पहले अनंत जन्म में अनंत नाम आपके हो गए हैं, पता नहीं आपका कितना सुयश गाया जा चुका है, पर आज आपको उसकी याद भी नहीं है। इसी प्रकार मृत्यु से इस नाम से भी आपका संबंध अवश्य ही तोड़ दिया जाएगा, उस समय आप सर्वथा इस नाम को भूल जाएंगे। शरीर की भी यही दशा है, इसे कितना भी आराम में रखिए, इससे संबंध टूटना अनिवार्य है। इसके पहले भी तो कोई शरीर था आपका, वह छूटा ना, वह सुख से था अथवा दुख से, इस बात को लेकर अब आपको चिंता नहीं होती। इसी तरह शरीर की भी इसके छूटने के बाद, इस शरीर की भी
इसके छूटने के बाद सर्वथा विस्मृति हो जाएगी। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि इन दोनों वस्तुओं से मन हटाया जाए। नाम रूप के मोह की परिस्थिति संसार में सभी के सामने आती है। आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती होंगी जिससे आप चिंतित होते होंगे कि अब तो इज्जत गई, खाने पीने को भी नहीं रहेगा। आर्थिक प्रश्न को लेकर आपके मन में इस प्रकार की चिंता होनी संभव है, तथा कुछ देर के लिए ही सही, भजन को गौण बनाकर इज्जत की रक्षा एवं शरीर निर्वाह को मुख्यता देकर उसके लिए चेष्टा करते होंगे। पर इन परिस्थितियों की उपेक्षा करें, इनमें जरा भी सार नहीं है। बस जैसा भगवान ने रच रखा है वह हो जाएगा, ऐसा दृढ़ निश्चय एवं विश्वास करके सर्वथा उपराम होकर आत्मा के कल्याण में मन लगाना चाहिए। जहाँ तक बने भगवान का अधिक से अधिक नाम लेते रहें। यह अगर होगा और होता रहा तो साधन पथ पर अपने आप आगे बढ़ जाइएगा। भगवान के नाम की महिमा अनंत है, अपार है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।